प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। अभी मैं 2 मिनट में लैपटॉप ऑन करूंगा, ये ऑन हो रहा है, तब तक मैं मोबाइल से जुड़ा हूँ। आप सभी लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ। आज हम लोग संभाषण शुरू कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग सभी से बात करेंगे और नए नए डिजीजेस पे डिस्कस करेंगे कि आप लोग के क्या अनुभव हुए। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर अभिलाषा वर्मा जी को बुलाना चाहता हूँ। डॉक्टर अभिलाषा वर्मा जी, कैसी हैं आप? अगर आप सुन पा रहे हैं तो अनम्यूट करिए प्लीज। डॉक्टर अभिलाषा वर्मा जी, सुन पा रही हैं क्या? हेलो। हाँ जी, कैसी हैं मैम? सर नमस्कार। नमस्कार सर। आपके उधर लंदन में सब पेशेंट कैसे हैं? सर मैं अभी प्रैक्टिस नहीं कर रही हूँ, मैंने आपको बताया तो था। पेशेंट तो देखती होंगी ना आसपास के, कुछ तो पता चलता होगा कि उनको क्या बीमारी है। अच्छा, नहीं अभी। ये बताइए, वहाँ के लोग खाते पीते क्या है, मतलब कैसा अन्न रहता है वहाँ के लोगों का? मोस्टली ड्राई चीजें ज्यादा, जैसे कि ड्राई अवन में बेक करके या फिर ऐसे टोस्ट, मतलब ये ब्रेड वगैरह, ये सब ज्यादा मतलब उनका रहता है। तो ब्रेड के वो साथ क्या खाते हैं? ब्रेड के साथ चिकन जैसे उन्होंने ड्राई रोस्ट कर लिया और उसे अवन में बेक कर लिया ऐसे करके, या फिश फिश एंड चिप्स खाते हैं। नहीं तो स्नेहन कैसे होता है उन लोगों का बॉडी में? आई डोंट नो, ऑयली या स्पाइसी और ऐसे नहीं खाते हैं वो लोग, बहुत वैसा ड्राई खाना खाते हैं, सैलड खाते हैं, मोस्टली सैलड खाते हैं। तो उनके वो चिकन से ही शायद स्नेहन मिल जाता होगा, बसा जी मच्चा। जी 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 हाँ तो वो तो होता ही है, इनका नॉन वेजिटेरियन ही खाना सारा होता है, वेजिटेरियन तो खाते नहीं है। उसमें सैलड या ऐसे ले लेते हैं, या सब्जियां कभी बॉईल करके उसमें हल्का सा स्प्रिंकल करके नमक मिर्च ऐसे ऐसे खाते हैं। हमारे इंडियन फूड की तरह दाल चावल रोटी सब्जी नहीं खाते? नहीं 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 सर, हम लोग वही खाते हैं, दाल चावल रोटी सब्जी खाते हैं, हम लोग का तो वही खाना है जी। आप एक मिनट बात करते हो, मैं लैपटॉप ऑन कर रहा हूँ जी। रेडिमेड डॉक्टर शैलेंद्र वर्मा जी, शैलेंद्र कुमार शर्मा जी, कृपया म्यूट रखिए, यहाँ पे ना बहुत सारा डिस्टर्ब वाला आवाज आ रहा है। एक मिनट रुकिए, मुझे सबको पहले म्यूट करना पड़ेगा। जो लोग बोलना चाहते हैं वही अनम्यूट करिएगा। हाँ, आप सबके सब भारत के श्रेष्ठ चिकित्सक हैं, जो लोग को बोलना है वही म्यूट रखिए, नहीं तो मुझे वेटिंग रूम में डालना पड़ेगा। शैलेंद्र कुमार शर्मा जी, सुन पा रहे हैं कि नहीं सुन पा रहे हैं? हाँ सर, म्यूट कर दिया। नहीं, म्यूट हुए हैं आप, आवाज आ रहे है, वो पूरा रिकॉर्डिंग खराब हो जाता है। म्यूट आ रहा लिखा हुआ है इस पे। मैं म्यूट किया हूँ आपको, प्लीज अनम्यूट मत करिएगा अभी, ठीक है? डॉक्टर कनवल देवल मैम, आप कुछ पूछना चाहती हैं? आपने हैंड रेस किया है। प्रणाम सर। प्रणाम। प्रणाम, बताइए सर। मेरे पास ना पेशेंट आई थी लास्ट 2 मंथ बैक अप्रैल में। हाँ। तो सर उसने मेरे को जो हिस्ट्री थी उसने बताया कि उसका ना खाना खाने के बाद वोमिटिंग को मन करता है, कई बार वोमिटिंग हो भी जाती है उसको। हाँ। और उसका पेट में अफारा लगता है, पेट फूला फूला रहता है उसका। अच्छा, और आवाज कट रहा है आपका, आवाज कट रहा है आपका, एक बार बाहर आके बात करिए ना। नहीं नहीं आपको मैं पहले वेटिंग रूम में डाल के फिर ऐड करता हूँ, फिर अच्छा हो जाएगा। नेटवर्क का प्रॉब्लम है, रुकिए एक मिनट। हाँ। मैम अभी जुड़ेंगी, अभी 2 मिनट रुकिए, तब तक कोई और बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं। आरती मैम, कैसी हैं आप? सर ठीक है, बढ़िया। प्रणाम सर। आपके पास काय चिकित्सा की कौन सी किताब है जो आप पढ़ती हैं? सर मेरे पास, हाँ सर, जोशी सर की आपने सर भेजी थी मेरे को, तो उसको पढ़ के कैसा फील हो रहा है, कुछ समझ? सर बहुत अच्छा है सर, बहुत अच्छा लगता है उसको पढ़ के। मैंने ना फिर पीवी तिवाड़ी मैम की बुक भी मैंने मंगवाई थी और जोशी सर की बुक भी है, दोनों बहुत अच्छी लगती है मेरे को बुक्स ना। ठीक है ठीक है। हाँ जी सर, अभी आवाज क्लियर है? आप बोलिए। हाँ मैम, सर। हाँ सर, मेरे पास पेशेंट आई थी ना 34 ईयर ओल्ड लेडी, अप्रैल में आई थी सर।
हाँ तो उसने मेरे को बताया है कि उसका खाना खाने के बाद वॉमिटिंग को मन करता है और पेट बारी बारी लगता है उसको, फूला फूला लगता है। और हाँ जो उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 30 to 60 days का है, मतलब मोस्ट प्रोबेबली तो 60 days का ही रहता है। हाँ और उसने हार्मोन थेरेपीज भी ली हैं 2-3 times, हाँ और उसको दो उसके बेबीज हैं, और दोनों बार उसको इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट लेके ही उसने कंसीव किया। तो सर इनफर्टिलिटी जैसे मैंने ट्रीटमेंट मतलब क्या, एलोपैथी हार्मोन्स लेके? हाँ एलोपैथी, हाँ जी हाँ जी, हार्मोन्स लिया, उसने मेरे से नहीं लिया, किसी और डॉक्टर से लिया था। तो सर जैसे फिर मतलब मैंने सारा कुछ उसकी हिस्ट्री ली, तो उसने बताया कि वो मिट्टी बहुत खाती थी बचपन अच्छा, में। से आपका आवाज गड़बड़ा रहे, आपका आवाज फिर से गड़बड़ा रहे, आवाज ही नहीं आ रहा। आवाज ही नहीं आ रहा मैम, का आवाज नहीं आ रहे है। किसी को आ रहा है क्या? नहीं सर, गड़बड़ी आ रहा है। कनवल देवल मैम, आप अभी थोड़ी देर के बाद ज्वाइन करिए, क्योंकि आवाज ही नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा। थोड़ी देर के बाद बताइएगा, तब तक हम डॉक्टर मुकेश साहू जी से बात करेंगे। डॉक्टर मुकेश साहू जी कैसे हैं सर? मुकेश साहू जी सुन पा रहे हैं क्या? खाना खा रहे हैं तो कोई बात नहीं। डॉक्टर विनीता चौहान जी कोई नहीं बोल रहा अभी। डॉक्टर शशि मैम कुछ बोलिए। कनवल दल मैम आपका नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम है ठीक सर, मैं बात आपका, देखिए अभी भी आवाज गड़बड़ा रहे हैं। ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ी देर के बाद बात करेंगे। हाँ डॉक्टर सुंदरलाल थापियाल सर, आप सुन पा रहे हैं क्या सर? डॉक्टर सुंदरलाल सर शायद नहीं सुन पा रहे हैं। डॉक्टर सुनाई दे रहे सर? सर कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया सर। पेशेंट का एक्सपीरियंस बताइए ना सर। पेशेंट को मैं बताया था, पाँव में एडिमा था दोनों का, हाँ बीच में, तो उसको सर निरोबस्ते दिया, एकदम चला गया। अच्छा, कितना मात्रा में दिया और क्या चीज का निरोबस्ते दिए? निरोबस्ते सर उसको मैंने मोता, नागर मोता था, पूनानवा था, गोक्यू था जी, फिर त्रिफला जी सब था उसमें। फिर बाकी जैसा निरोबस्ते देते हैं स्वास्थ्य विधि से, वैसे ही उसमें शहद तेल जी, सेंधा नमक शहद तेल, और फिर कल्प था, अजवाइन सौंफ जी, और इनका कल्प देके पी लिया सर, जी, 900 ml करीब जी। तो स्वेलिंग कम हो गया निरुपस्थित सर? सर यस सर, यस सर कम हो गया जी। बहुत अच्छा किया सर। और कुछ बताइए कैसे, आपको दवाई मिला मेरा वाला? हाँ मिला मिला सर जी। ठीक है, और कोई चैलेंजिंग केसेस होंगे तो बताते रहिएगा, हम आपका इंतजार करेंगे। जरूर सर, जरूर। ठीक है, थैंक यू सर। सर सर एक, सर एक पेशेंट है, हाँ उसका वो ये कह रहा है कि मैं जब ये खड़ा होता हूँ तो मेरा घुटना अंदर चला जाता है और मेरा बैलेंस जाता है। तो उसका ऐसा था कि वो कहीं रोड पे गाड़ी पार्क की, उसने कहीं जा रहा था वो, हाँ तो उसका एक पाँव खड्डे में आ गया, हाँ खड्डे में आने के वजह से पूरा बैलेंस उसका उसी पाँव पे आ गया। अच्छा, और फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा दर्द होता था, उसके बाद वो एसी ट्रेन में गया, फिर वहाँ गया, गांव में बहुत ठंडी थी, ठंडे पानी से नहाया, तो इस वजह से सेतु की वजह से उसका पाँव में दर्द होना शुरू हो गया। तो अभी क्या हो गया, अभी क्या तकलीफ हो रहे हैं? अभी सर उसको चलने को नहीं, लकड़ी लेके चलता अभी। तो आप मस्कुलर एट्रोफी दिख रहा है कि बोन्स का पैथोलॉजी दिख रहा है? नहीं नहीं मेरे को मस्कुलर एट्रोफी दिख रहा है। तो सर आप क्या सोचे हैं, क्या देंगे उसको? हाँ बताइए सर। सर आप ये दीजिए, बस्ती वगैरह दीजिए, बस्ती और अश्वगंधा ले, दीपन पाचन करके, जो मसल पे काम करने वाले दवाइयां हैं। अच्छा सर, हाँ ठीक है, ठीक है सर। आप पूरा सर केस टेकिंग करिए, उनको हुआ क्यों, उनको क्या मतलब खाने पीने में गड़बड़ हुआ या कुछ हुआ? नहीं वो ठंडी की वजह से ही पूरा जोर उसका पूरा बैलेंस है ना, उसी एक ही पांव पे चला गया। अच्छा सर, और बोला मैं मतलब बैलेंस संभालने को उसके नहीं संभाल पाया, हाँ और तभी से उसको तकलीफ हो गई।
कुछ लगा नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। अच्छा ठीक है सर, आप करिए फिर हमें बताइएगा। जरूर सर, ठीक है, थैंक यू सर। ओके सर। डॉक्टर अभिलाषा वर्मा जी, आप कुछ बोलना चाहती हैं? मैम यस सर, मैं ये पूछ रही थी कि जैसे आपसे बात की थी तो टेथर्ड बोन, ये स्पाइनल बोन, स्पाइनल कॉर्ड सिंड्रोम, ये ठीक हो जाएगा ना आयुर्वेद में? मैंने थोड़ा पढ़ा इसके बारे में। 100% हो जाएगा। यापना बस्ती किस लिए हमारा? अच्छा, यापना बस्ती पूरा जो है ना वो इसी के लिए, बोन्स के डिफॉर्मिटीज के लिए, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के लिए, इसी सब के लिए। हाँ जी 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 तो एक्चुअली मैंने ये भी पढ़ा कि उसका रिलैप्स भी हो जाता है अगर सर्जरी एक बार हो भी गई तो 10 से 12 घंटे की सर्जरी है। एलोपैथी में यापना चीज का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, आयुर्वेद में यापना का है। जी। आप थोड़ा केस अच्छे से बताइए फिर हम अच्छे से आपको और बता पाएंगे। अच्छा अच्छा सर, ठीक है सर। हाँ, एक डॉक्टर दिलावर सिंह देओल सर आए हैं, ये कहाँ से आए हैं सर, आप कृपया बताइए, आपने हैंड रेज किया है। डॉक्टर दिलावर सिंह जी आपको अनम्यूट करने का मैंने ऑप्शन दिया है। हाँ सर, कहाँ से आए आप? सर मैं डॉक्टर कमल देओल बोल रही हूँ। अच्छा अच्छा, आपने सर के उससे हाँ जी सर, हाँ जी हाँ जी हाँ बताइए। अभी आवाज आ रही है मेरी? अभी एकदम क्लियर आ रही है। हाँ सर, मैं बात कर रही थी ना कि वो पेशेंट 34 ईयर ओल्ड लेडी है। हाँ, तो उसको मतलब मृदु भक्षण जन्य पांडु सर मैंने डिटेक्ट किया था और मैंने उसको उसका ट्रीटमेंट भी दिया सर। जो उसकी कंप्लेंट थी वो ये थी कि उसका खाना खाने के बाद वॉमिटिंग को मन करता है और पेट फूला फूला रहता है उसका, और जो उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें कभी 60 डेज का गैप होता है, कभी 90 डेज का गैप होता है। हाँ। तो सर मैं, मेरे को लगा कि जो सारा है ये इसको मतलब जो उसकी हिस्ट्री दी कि मैं मिट्टी खाती थी 12th तक ना, 10th 12th तक उसने काफी मिट्टी खाना, स्लेटी खाना इस तरह का सारा था सर उसका जी। तो सर मैंने उसको ये कृमि क्षार रस दे के, विडंगा रस दे के सर उसको मैंने विरेचन कर दिया सर, 2 बार ही उसका मैंने विरेचन किया। हाँ। तो उससे जो उसका मिट्टी खाने का मन था, सॉरी जो उसका उल्टी का मन करता था, ये तो सर ठीक हो गया। जो उसका पेट में अफारा था, भारीपन था, बिल्कुल ठीक हो गया। उसके पीरियड्स भी सर रेगुलर हो गए। हाँ। मतलब अप्रैल में भी नॉर्मल आ गए, मतलब मई में भी नॉर्मल आ गए, जून में भी नॉर्मल आ गए। तो सर अभी मेरे को फर्दर किस तरह से अप्रोच करना चाहिए इसको? आप देखिए, आपने एक तो स्त्रोतस को खोल दिया, आपने हाँ कर दिया, लेकिन आपने स्नेहन नहीं किया। हाँ जी, आपको कुछ तो दाढ़ीमादी घृत या कटुकादी घृत, खासकर दाढ़ीमादी घृत देना चाहिए, स्नेहन करना चाहिए स्त्रोतस को, क्योंकि ना ड्राइनेस बहुत ज्यादा है उनके बॉडी में। हाँ जी, बराबर है कि नहीं आप जो मैं बोल रहा हूँ वो सच लग रहा है? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। हाँ, पेशेंट ना तो अबीज भी है, थोड़ा मोटापा भी इसमें है, तो उसको भी मेरे को पहले कम करना पड़ेगा जैसे उसका। हाँ, वेट भी। हाँ, वेट कम करने के लिए ये दे दीजिए तृष्णादि लो, मेदोहर गोकुल, चंद्रप्रभा वटी, आरोग्य वर्धनी वटी, लेखन करने का द्रव्य। लेकिन घी भी पिलाना है आपको, घी एक एक दो दो चम्मच खिलाए, ज्यादा नहीं। जी सर, जी जी, ठीक है। और जैसे कटुकादि घृत दे दिया या दाढ़ी मादी घृत दे दिया तो उससे वेट नहीं बढ़ेगा। जी सर, जी ठीक है सर, ठीक है। चार चार चम्मच भी दे सकते हैं। और आप गर्भाशय पे काम करना चाहती हैं तो फल घृत दे दीजिए। जी सर, सर इसमें मेरे को रस रक्त पाचक भी ऐड करने होंगे? हाँ, रस रक्त पाचक ऐड करेंगी तो बहुत अच्छा फायदा होगा सर। ग्रंथिराज फार्मूला भी काम करेगा? हाँ, वो तो एंडोमेट्रियम को लाइनिंग अच्छा कर देगा, मेंसेस और अच्छा रेगुलर हो जाएगा। और एक ही बार विरेचन देने से नहीं होगा उनको, आपको और भी विरेचन देना पड़ेगा बार बार। स्त्रोतस में दृष्टि ज्यादा है, आपको शायद मालूम नहीं है। हाँ जी सर, जी तो आपको और भी विरेचन देना पड़ेगा। तो सर मैं नित्य विरेचन ऐड कर दूं इसमें? नित्य विरेचन से अच्छा है कि तीक्ष्ण विरेचन दीजिए 7-7 दिन पे, क्योंकि वो नित्य विरेचन से उतना जल्द अच्छा नहीं होता जितना तीक्ष्ण विरेचन काम करता है, मतलब मेरा एक्सपीरियंस है। तो विरेचन वटी से 7-7 दिन के बाद दीजिए ना तीक्ष्ण विरेचन सर। विरेचन वटी से कर दूं फिर 7-7 दिन के गैप पे? और वो भी घी पिला के? जी सर, जी सर, ठीक है। स्ट्रॉन्ग विरेचन करेंगे तभी मिट्टी जो जमा है वो निकलेगा, ऐसे नित्य विरेचन करेंगे एरन तेल या कोई ऐसे तो वो तो मिट्टी उतना अच्छे से नहीं निकलेगा जितना तीक्ष्ण विरेचन करते हैं। जी सर, जी ठीक है। और आप घी दे दीजिए और फिर और रस रक्त को अच्छा करने के लिए तापे दिलो, नवाइस लो, फिर ये दे दीजिए, रस का प्रसादन करना है, दाढ़ी महाबले दे दीजिए। ठीक है सर, थैंक यू सर। आप फिर बताइएगा मेंसेस कैसा हो गया? हाँ जी सर, हाँ जी मैं पक्का बताऊंगी। हाँ, और आपके पास जो पेशेंट आएंगे वो तो ठीक होने ही वाले हैं।
थैंक यू सर, आपका सर आशीर्वाद है तो ठीक तो होंगे ही होंगे। ठीक है, आप करिए फिर बताइएगा। हाँ ठीक, थैंक यू सर। एक डॉक्टर आरती शर्मा जी ने हैंड रेज किया है, बहुत ही अच्छी डॉक्टर हैं जी, बताइए मैम। प्रणाम सर। सर इसमें जो मैम ने केस बताया तो हम इसमें अश्वकुंज के रस से भी विरेचन करवा सकते हैं ना? वही मैंने भेजा है मैम को। अच्छा, आप और वही चीज बोल रही हैं जो मैंने भेजा है। ठीक है, और मेरे को एक पूछना था कि जैसे हम यापन वस्ती देते हैं पेशेंट को, मैंने एंकलोजिंग के एक केस में किया था यापन वस्ती। हाँ। तो जब मैंने दो तीन बार किया था, मतलब जैसे 6-6 मंथ्स के गैप पे, तो हाँ। पहले जब किया तब उसकी यापन वस्ती 30-35 मिनट्स तक रिटेन रही थी। उसके बाद जब मैंने क्यों इतना कम क्यों नहीं, लास्ट तक पहुंचते पहुंचते 16 बस्ती की थी, लास्ट तक पहुंचते पहुंचते 40-42 तक था मेरा लास्ट, क्योंकि मेरे को था कि प्रत्यागमन में मतलब 45 से पहले निकल जाए, तो मेरे को खुद 42 पर मेरे को खुद टेंशन होने लगा कि अब निकलना ही चाहिए। तो उसके बाद से मतलब जब मैंने उसको दोबारा रिपीट किया, मतलब 6 मंथ्स पे उसने निरुवस्ती लिया, उसके बाद ऑलमोस्ट 1 ईयर के बाद जब रिपीट किया तो उसका जो ड्यूरेशन है रिटेंशन का वो कम कम होता गया। नहीं मतलब, आपने आपने कुछ गड़बड़ किया, आपने दीपन पाचन अच्छे से नहीं किया, ये कॉन्सेप्ट मेरे को नहीं समझा। मैं अभी अनुरिता मैम को नस्य दिया 1 साल तक, तो उनका क्या नस्य तेल एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है क्या? नहीं, मैं तो खुद आपसे एक क्वेश्चन ही कर रही हूँ, क्योंकि मेरे को इस बारे में कोई नॉलेज नहीं है कि मतलब ऐसा मतलब क्यों नहीं हो रहा। अगर ठीक हो गया तो कोई बात नहीं, अगर ठीक नहीं हुआ है और आप पेशेंट ठीक हो गया, पेशेंट ठीक हो गया उसको जस्ट टू प्रिवेंट, क्योंकि मैंने बहुत जैसे ये ऑटो इम्यून केसेस हम देखते हैं तो क्या होता है कि फिर से दोबारा रेकरेंस हो जाती है, तो जस्ट बी ऑन सेफर साइड। तो मैंने उसके बोला कि तुम मतलब जो ये रहता है वर्षा ऋतु, कि तुम हर वर्षा ऋतु में यापन जो शोधन शमन दोनों है ये हर वर्षा ऋतु में आप चाहे 8 बस्ती ले लो, तो इससे मतलब क्योंकि जब वो मेरे पास आए थे वो बिल्कुल हिल भी नहीं पाते थे, तो इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि ऐसा ठीक है आपका ये बात मुझे 100% अच्छा लगा कि आपने वर्षा ऋतु में हर साल बुलाया, ये आपका बहुत ही अच्छा बात है, लेकिन रिटेन नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपके पेशेंट में धात्वाग्नि मंद है, भूताग्नि मंद है, तो आपको ना उनको पहले दीपन पाचन करना पड़ेगा, जैसे कि आम पाचक वटी दे दीजिए, फिर आसवरिष दे दीजिए, अजमुदादि चूर्ण, लवण भास्कर चूर्ण, दाढ़ी मास्टक चूर्ण, ऐसे पहले अग्नि को बढ़ाइए, पूरा अग्नि प्रदीप्त हो गया, और काली मिर्च वाले जो चीजें हैं जैसे मेरी की आम पाचक वटी है उसमें काली मिर्च, या पंचकोल दे दीजिए, या फिर त्रिकटू दे दीजिए, ऐसे पहले अग्नि को बढ़ाइए, फिर तेल का बस्ती या अपना बस्ती देंगी ना तो सारा एब्जॉर्ब होगा 100%। 6 से 12 घंटा रहना चाहिए फिर, मतलब एक्चुअली अभी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब कुछ भी ना, तो उसको उसके बाद से स्कोलियोसिस भी वही रुक गया, उसका जो ASIS जॉइंट था वो भी वही सब मतलब स्थिर हो गया, सब बिल्कुल नॉर्मल जैसा हो गया, बट सिर्फ टू बी ऑन सेफर साइड उसको मैं हर मतलब बोलती हूँ। तो ऐसा जैसे भी ये ऑटो इम्यून के केसेस जाते हैं तो इनमें कितने साल तक कर सकते हैं आप? हाँ ये आप सालों हर साल दीजिए और पूरा लाइफ दीजिए, तो मतलब उसकी लाइफ के लिए अच्छा ही है ना कि अगर मैं हर साल देती हूँ। और आप ये नहीं चाहती है क्या कि आप इतना मेहनत से जो यापना बस्ती बना रही है वो बॉडी में और ज्यादा एब्जॉर्ब हो? नहीं मैं तो चाहती हूँ, इसीलिए मेरा क्वेश्चन था कि मुझे लगा कि शायद वो ठीक हो गया, इसलिए क्योंकि मेरे को इस बारे में कोई नॉलेज नहीं है कि भी रुकना चाहिए या नहीं। अगर इंसान साल भर अगर बस्ती वस्ती नहीं ले रहे हैं तो साल भर में उसका वायु का प्रकोप हो ही जाता है रात्रि जागरण से, फिर जी चिंता बिल्कुल से। बिल्कुल हाँ, उनकी जॉब भी ऐसी है कि उनका नाइट शिफ्ट ही मेनली लगता है, मतलब कि पूरी पूरी रात जैसे जागने का ही उनका काम रहता है। हाँ तो वो बॉडी को इतना नहीं है कि पूरा भर गया, वो जरूरत है ही उनको, तो आप दे दीजिए। तो मतलब ये वैसे जैसे फर्स्ट टाइम में रिटेन हुआ ऐसे रिटेन होना ही चाहिए, होना ही चाहिए 6 से 12 घंटा। ठीक है, कभी तो हो गया गैस बन गया निकल गया, वो भी कॉन्सेप्ट नहीं है 45 मिनट्स के बाद एक बार मोशन आने का यापन में? यापन में नहीं है वो, निरूप अस्थि में है बस। अच्छा, वो प्रत्यागम काल सिर्फ निरूप अस्थि में है, निरूप अस्थि या वैतरण अस्थि में, या फिर हम मदन फल वाले जो द्रव्य डाल रहे हैं, अगर आप यापना वस्ती में मदन फल डाल रही हैं तब वो निकल जाएगा, वो नहीं रुकेगा। उस्ताद यापन वस्ती दिया था मैंने, मदन फल डालती हैं क्या? हाँ हाँ मदन फल है उसमें। हाँ फिर निकलने दीजिए, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और एक और चीज मुझे पूछना था कि जैसे कोई एक पेशेंट है ऑटिज्म के केस है हमारे किसी मतलब नियर वंस में ही है, तो उसमें हम कुछ कर सकते हैं क्या? कुछ क्या पूरा ठीक कर सकते हैं? ऑटिज्म के कितने पेशेंट मैंने ठीक कर दिए, अनुरिता मैम ने भी देखे हैं,
पूरा ठीक कर ओके लीजिए आप। तो वो कितना भला होगा वो बच्चा चार साइंटिफिक, साल का बेबी है, वो आप फोर वो इयर्स का केस बच्चा है। लेके ठीक आइए, आप वो केस लेके आइए, हम ठीक कर देंगे। है हेलो ठीक गुड है सर, इवनिंग थैंक सर। यू। हाँ हेलो कमल जी कुछ बोलेंगी? सर, यापन बस्ती पे एक लेक्चर ले जी ना, क्योंकि उसका कब कंसेप्ट कब थोड़ा क्लियर। आप जोशी सर को बोलिए, ठीक सब है लोग सर, जोशी जोशी सर को सर, मैसेज करिए, मैं ले लूंगा। सर यस बहुत ओके सर, उसकी जरूरत है यापन क्योंकि बस्ती पे वो भी। कंसेप्ट क्लियर थोड़ा सा होना चाहिए, हाँ क्योंकि यापन माने तो बृहन मानते हैं हम, लेकिन उसका कैसे प्रोसीजर से देना, हाँ उसके बाद इंडिकेशन कैसे रहता है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन कैसे, ये थोड़ा सा डिटेल क्लियर हो जाए तो सर पेशेंट में जब डिफ्रेंशिएट हम करेंगे तो बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा आप सर जोशी इसमें। सर को बोलिए मैं यहाँ पर बस्ती पे पूरा 1 महीने का लेक्चर लूंगा, ब्लड ओके रेड बीमारी एक सिर्फ मुस्तक आदि नहीं, मतलब जो बला दिया पूरा, आपने पिछली हाँ जो बात की पूरा है पूरा पूरा। सब। ठीक है सर, मैं बोलती हूँ सर से। आप सर को बोलिए, अभी ठीक क्या है है सर, आज मुझे पढ़ाना था, लेकिन अब आप लोग पता नहीं, मैं खुद दवाई लेने जाता हूँ, मैं हर दवाई खुद लेके आता हूँ कि मेरे पेशेंट को अच्छा दवाई चाहिए, तो मैं वहां ट्रैफिक में अटक गया, वहां एक्सीडेंट हुआ था और फिर बहुत घूम घूम के आना पड़ता है, इसलिए मेरा लेक्चर अभी छूट गया आज का, जोश कल्पना का कर लूंगा। और आरती शर्मा मैम आप तो कितना अच्छा इंटेलिजेंट है, आज पता चला आप इतना अच्छा अच्छा केस सॉल्व की हैं, आज सर पता ऐसी चला है। बात नहीं है, बस पर और आप आज तो मेहनत वही कर रहे बोली हैं बस। थी कि मुझे डर लग रहा है चंडीगढ़ में प्रैक्टिस शुरू करने, आप तो कितनी अच्छी है, मतलब कितना इंटेलिजेंट है सर ऐसा कुछ नहीं, बस कोशिश आप। करते रहते कि आयुर्वेद में कुछ मतलब सीखते ही रहें और आयुर्वेद और को एक जितना हो बात सके हमेशा प्रमोट याद करें। रखिए, एक बात हमेशा याद रखिए कि आपको हर केस ले लेना है, ऑटिज्म हो कोई सिंड्रोम हो, हर केस ले लेना है, और हर केस में मतलब मैं आपके साथ हूँ, हम मैं और मैं मतलब सब लोग साथ में हैं, तो आपको सर सब केस लेके सॉल्व करने का कोशिश करना है। जी सर, सर आते ही हमारे पास इधर क्या ट्रेंड है कि मतलब आयुर्वेद में, जैसे उधर महाराष्ट्र या इस साइड में लोग शायद आयुर्वेद में ज्यादा बिलीव करते होंगे, बट यहाँ पर आते ही हमारे पास लास्ट में है, जैसे पेंक्रेटाइटिस का बिल्कुल एक्यूट स्टेज में आता है, रीनल फेलियर का वो भी ऐसे ही आता है, एट हो गया या बिल्कुल ऐसे आ जाता है, तो मतलब आते ही हमारे पास उस समय है। अभी तो अच्छा है ना, मजा है ना उसमें, तो मजा है कि आप ऐसे पैंक्रियाटाइटिस ठीक कर लिए। जैसे ज्वर ज्वर का भी रहता है तो 3 या 4 साल से ज्वर है, तो थोड़ा समझ में पड़ता है कि अभी ये अस्थि मज्जागत हो गया है, तो तो ठीक है फिर ना, आप जहाँ प्रैक्टिस करते वहीं तो कन्वल दल मैम भी करती है, और इनका कितना प्रैक्टिस बढ़ गया है अभी, जी सर ऐसे चैलेंजिंग केसेस कर करके। अभी बात करी थी ना कन्वल दल मैम, कितना बढ़िया केस सॉल्व कर रही है अभी, ये भी पंजाबी है, जी सर जी सरदार सर सरदारनी है, कितना अच्छा कर रही है। जी सर हाँ और ना ठीक है ये सर, मत थैंक सोचिए यू। कि दुनिया आपके फेवर में हो जाएगी, ऐसे जगह पे तो काम करना है हमें जो अनफेवरेबल कंडीशन में झंडे गाड़ के आना है हमें। जी हाँ सर बिल्कुल ठीक है सर, थैंक ठीक यू। है, थैंक यू। एक डॉक्टर अभिलाषा वर्मा मैम कुछ बोलना चाहती हैं, आपने हैंड रेज किया इसलिए मैं आपको बुला रहा हूँ, डॉक्टर अभिलाषा वर्मा मैम। मैम शायद बोल नहीं रही है, सर एक ग्रंथिराज फॉर्मूला जो आप बता रहे हैं सॉरी सर, वो एक गलती बार से लग थोड़ा सा गलती से हो बताएंगे? गया था, हाँ सॉरी सर। पाठा जो है त्रिकटु है, और पाठा इंद्र, पाठा त्रिकटु और क्या है तीसरा, क्या है इंद्रिया। इंद्रिय हाँ ये लेने से क्या होता है मालूम है, इससे एंडोमेट्रियम लाइनिंग अच्छी हो जाती है और मेंसेस रेगुलर हो जाते हैं। यहाँ आयुष दर्पण पे बहुत सारे चिकित्सक लोगों को मैंने बताया 2020 में, तो उन लोगों ने शुरू किया सभी लोगों ने, और बहुत सारे पेशेंट के कंसीव हो गए, मतलब कितने ये मतलब ये दवाई फेल नहीं हुआ आज तक। सर सर इसमें एक क्वेरी विष्णु, कितने ग्राम चूर्ण देना इसका? समान मात्रा में कर दीजिए, समान मात्रा में लेके आधा आधा ठीक चम्मच है या एक एक चम्मच दे दीजिए, सर। काढ़ा बना के या और सर अनुपान भी कुछ इसमें रहेगा स्पेसिफिक? हाँ अनुपान भी कुछ स्पेसिफिक रहेगा इसमें? नहीं, काढ़ा क्वाथ को डायरेक्ट दे दीजिए सुबह शाम खाने के पहले। हाँ सर जब हम प्री मोनोपॉजल देते हैं ना पेशेंट का, कभी कभार पोस्टपोन मेंसेस होता है तो उसमें ईटी कम आता है, तो प्री मोनोपॉज भी हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं क्या? लेकिन आपके दिमाग में प्री मेनोपॉजल कंडीशन कब के एज तक रहती है? 45 47 ऐसे पेशेंट आता है कि 4 5 मंथ मेंसेस अभी नहीं हुआ। अभी हमारे यहाँ पे 53 इयर्स की एक पेशेंट है, वो कंसीव हुई 53 एज में, तो मेनोपॉजल हुआ क्या उनका? तो सर
सर इसमें कैसा विचार करें हम इसमें ये मेनोपॉज का मतलब कि वायु का वृद्धि हो गया, प्री मेनोपॉजल अर्ली एज में हो रहे मतलब वायु का वृद्धि हो गया, तो बाकी सब हाँ लीवर का फंक्शनिंग अच्छा मानते हैं, लेकिन मुझे उनका अग्नि दोष थोड़ा सा अग्नि विचार करना पड़ता है सर, थोड़ा मुझे लगता है कि अग्नि स्नेहन कम हो गया है ऐसा कम सर। कम वो पेशेंट घूत बोलती हूँ तो बोलते हैं वो अच्छा नहीं लगता और घूत खाते ही नहीं पेशेंट, तो पहले सर हम अग्नि पे विचार करके ये दे, लेकिन पेशेंट मेरे पास आते है ना तो कहते हैं कि मैम ऐसी दवा दो कि वो जल्दी से हो जाए मेंसेस, तो इसमें प्री मेनोपॉज में हम घृतपान तो देते हैं, लेकिन जब तक धातु की वृद्धि नहीं हो तब तक सर ये एंडोमेट्रियम थिकनेस नहीं बढ़ेगा, तो पेशेंट का वेट एंड वॉच रस पाचक रक्त पाचक ताप्य दिलो डिवाइस लो, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ सर, लेकिन वो कितने महीने देना और पेशेंट को काउंसलिंग करने वक्त कभी कभी एक साल देना पड़ता है हमें, तब रेगुलर होता है मेंसेस, अगर बहुत ज्यादा क्षय रस क्षय रक्त क्षय बहुत ज्यादा है और वो प्रीमेनोपॉजल स्टेज में आ गए अनओवुलेटरी साइकिल है एएमएच कम हो गया तो हमें एक साल तक करना पड़ता है तब फायदा होता है, तो पेशेंट का सर काउंसलिंग करते वक्त कैसे आप क्या करिए, आपने पेपर पे यूट्रस का फोटो बनाई है और उसमें बोले कि ये ड्राई हो गया है यूट्रस है, जैसे खेत में 100 एकड़ जमीन सूख गया है पूरा पूरा सूखा पड़ गया तो वैसे ही ड्राई हो गए, तो हम लोग खेत में पानी डालते हैं खाद डालते हैं फिर उसको फर्टाइल करते हैं, उसी तरह से हमें जो है ना ऋतु क्षेत्रामु भी जाना हाँ, हाँ सर इसी तरह से कॉन्सेप्ट समझाया करिए, ओके सर ठीक है सर थैंक यू सर। आपको मालूम है आज के जमाने में क्या हो रहा है, 30 साल में मेनोपॉज आ रहा है, एलोपैथी डॉक्टर्स बोल रहे हैं 30 साल में मेंसेस बंद हो जा रहा है, 30 साल एज है क्या मेनोपॉज का सर, मेरे पास एक केस सक्सेस हुई है वैसे ही 30 साल की उसकी बेटी को पहले उसको कंसीव हुआ था उसके बाद उसको मेंसेस ही नहीं आई बेटी दो साल होने के सेकेंडरी एमेनोरिया, तो पेशेंट ने मुझे एज बोला था कि मुझे और उसको 10 साल तक मेंसेस नहीं स्पॉटिंग होता था लेकिन कुछ भी नहीं, लेकिन मैंने जब ये सर अपना अग्नि विचार करके फिर उसका ग्रहणी करेक्ट किया तो वो करने के लिए मुझे सर 6 महीने लगे, अभी पेशेंट कंसीव हुआ है, पेशेंट का एज अभी सर 42 है और कंसीव हुई है अच्छी है, वो पेशेंट भी बहुत अच्छी है, लेकिन मेरे पास वो आई थी मेंसेस रेगुलेशन करने के लिए और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी ऐसे करके आई थी सर, लेकिन अभी आपने कितना अच्छा जिंदगी दे दिया आप तो वो खुश है सर, और वो इतनी पुअर फैमिली की है और उनको आईवीएफ करने को बोला था तो वो रोकर मेरे पास आई थी, तो लेकिन वो ऐसे ही नॉर्मल 7 मंथ से में ही कंसीव हो गई, तो बहुत अच्छा है सर उस फैमिली में, इससे बड़ा पुण्य क्या होता है आप बताइए वो तो बहुत अच्छा हुआ मेरे लोग धन का दान करते हैं। मैम एक बार दोबारा वो एक्सप्लेन करेंगे इसका ट्रीटमेंट जो आप बता रहे हैं वो हाँ मैंने स्टार्टिंग में मैम नेटवर्क पेशेंट हेलो नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है सांगली में हाँ सर थोड़ा सा बीच बीच में जा रहा है सर, मैं ग्रुप में लिख के भेजू हाँ, सबको ही वो अंडरस्टूड हो जाएगा ठीक हाँ। है सर ओके सर ठीक है। एक भारत के बहुत अच्छे डॉक्टर हैं डॉक्टर सतीश कुमार जी, ये कुछ बताएंगे पूरा भारत इन पे गर्व करता है, डॉक्टर सतीश कुमार जी बताइए सर। प्रणाम सर, प्रणाम सभी को सर। प्रणाम, वो माता जी कैसी है जिनको आपने बस्ती दिया था? ठीक है सर, लगभग 70% रिलीफ है सर। अच्छा बताइए सर, मेरे ना एक पेशेंट है फीमेल चाइल्ड 10 इयर्स हाँ। ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी है उसमें। अच्छा तो क्या सिम्टम्स क्या हो रहे हैं? हाइट नहीं है सर, हाइट नहीं निकल रही उसकी। अच्छा एज क्या है उनका? 10 इयर्स। तो आप उन्माद चिकित्सा निकालिए उसमें महापैशाचिक घृत आपको दिखेगा। जी सर उन्माद चिकित्सा में हाँ, उन्माद चिकित्सा में महापैशाचिक घृत देखिए और उसका जो श्लोक है वो पूरा रीड करिए चरक संहिता का, उसमें लिखा है कि बालानम अंगवर्धनम, मतलब वो उन्माद अपस्मार मेंटली भी वो अच्छा करता है और अंग भी बढ़ाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हर अंग हर एक सेल का एक मेमोरी होता है, अगर वो हेम्पर्ड हो गया तो ग्रोथ नहीं होता है। सरक में सर,
चरक संहिता में उन्माद चिकित्सा में महापैशाचिकृत निकालिए, उसमें क्या लिखा है आप बताइए, पढ़ के बताइए। आप निकालिए दफ्तर। और कौन बताना चाहेगा? अंजना मैम भी आ गई हैं। मैं और भी चिकित्सा बताऊंगा लेकिन पहले सर को ये चरक संहिता खुलवा देते हैं। हाँ डॉक्टर कंचन मैम कैसी हैं आप? आपके सेंटर में तो बहुत सारे पेशेंट आ रहे हैं आजकल। प्रणाम सर। जी सर, पहचान लेते हो सर आप। और पुराने पुराने सेंटर वाले भी ढूंढ ढूंढ के आ रहे हैं क्या आपको? नहीं क्योंकि हाँ है ना सर, दूर है काफी, तो उनका क्या होगा? उनका पता नहीं सर, वहाँ पे अभी कोई डॉक्टर बैठ रही है 15-20 दिन से, अभी पता नहीं चला पूरा, पर नहीं आ रहे हैं मतलब। लेकिन वो उतना सक्सेसफुल नहीं है जितना आप करती थी। जी सर, यहाँ पे भी अच्छा हुआ है, अभी फिलहाल 8 पेशेंट तो हो रहे हैं, 8-10 पेशेंट हो रहे हैं रोज के अभी। ठीक है, बहुत अच्छा, मतलब अभी लोगों को पता चल रहा है धीरे धीरे। कुछ केस बताइए। अभी आज का ही एक केस है सर कि एक मैंने कल मैंने आपको जो पूछा था ना उन्माद वाला केस, यहाँ बताइए सबको। हाँ उनके बारे में बताती हूँ मैं। एक्चुअली ना वो पेशेंट ने आज मुझे मतलब मैं घर पे बुलाया था संडे के दिन, तो उन्होंने मैं जितने भी क्वेश्चंस कर रही थी ना वो उसके लिए नहीं किया था। जैसे वो पेशेंट ना एक ऑफिसर है रेलवे सर्विसेज में, तो उनको ना वो बोल रहे थे कि मुझे बहुत गुस्सा आता है, तो मैंने बोला कि आप गुस्सा घर वाले पे निकालते हैं क्या? एक बेटी है और वाइफ है समझो घर में, पर वो वैसे नहीं करते, वो समझो अभी बैठे हैं तो बस मन के मन में बड़बड़ करके वो गुस्सा निकालेंगे, पर बाकी ऑफिस में जाके फिर वो नॉर्मल हो जाते थे। तो मैंने उनको काफी क्वेश्चंस किए थे कि किस वजह से कर रहे हो, कोई डिप्रेशन है क्या, क्या है, उन्होंने नहीं बोला सर, और वो मेडिसिन लेना नहीं चाहते थे, इसलिए मैंने नस्य ट्रीटमेंट, बस्ती चिकित्सा और ये शिरो पिचू स्टार्ट किया था, क्योंकि शिरोधारा करने के लिए वो भी रेडी नहीं थे, पर आज खुद होके फोन किया और मुझे बोलते हैं मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, पर मुझे कोई मेडिसिन भी ऐड कर दो। तो मैंने बोला ठीक है मैं कल आपको मेडिसिन कुछ लिख के देती हूँ। तो आज फिर बोले कि कुछ तो भी ऐसे इंसिडेंट्स हुए थे उनके मतलब लाइफ में, मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कुछ तो भी हुआ था, और वो फीमेल ने फिर उनको तकलीफ देना स्टार्ट किया, तो उसकी वजह से शायद उनको ये प्रॉब्लम हो रही है। वो उन बोले कि मुझे मैंने किसी को शेयर नहीं किया था, ये फर्स्ट टाइम आपको शेयर किया है अभी, मैं उसकी वजह से काफी डिस्टर्ब हुआ, बोले घर पे भी नहीं बोल सकता हूँ, वाइफ को भी नहीं बोल सकता हूँ, ऐसे उन्होंने उनका पूरा हिस्ट्री मुझे कल आज दोपहर में फोन पे बताया सर। तो अभी मैं उनको ट्रीटमेंट में आपने कल बता ही दिया था मुझे कि जिसे आप ब्राह्मी प्राश में कुछ ऐड करके, तो अभी उनको स्मृति सागर रस या फिर उन्माद गज केसरी या फिर मानस मित्र वटकम ये कुछ स्टार्ट करने की सोच रही हूँ सर मैं। वो पेशेंट में ना जैसे हाँ उन्माद में पढ़ते हैं ना कि वातज पित्तज कफज टाइप का है, तो मैंने उनके इसमें पित्तज वाले सिम्टम्स और वातज वाले सिम्टम्स देखे थे। मैंने उनको बोला था कि कुछ आपने किसी का अपमान वगैरह किया है क्या, या फिर जैसे किसी ने आपका अपमान किया है क्या, तो वो पहले नहीं मतलब जो भी जितने हमारे हेतु होते हैं ना उन्माद के सभी पूछे थे सर मैंने, पर उन्होंने कुछ भी नहीं बोला था, पर ये उनके इसमें मिला सर कि किसी ने उनका अपमान किया था, उन्होंने तो नहीं किया था, पर उनका ऐसा स्वभाव भी पता चला, उनकी वाइफ ने बोला था कि ये ऑफिसर होने की वजह से ये हर किसी को एकदम मतलब जोर से बात करते हैं या फिर अपमानित कर देते हैं तुरंत, तो उनके कोई कलीग भी है कि जो उनसे बहुत ईर्ष्या करते हैं और वो उनकी काफी दिनों से दोनों की बात भी नहीं हो रही, ये हेतु भी मिला सर मुझे वहां पे। तो और अभी तो फिलहाल मेडिसिन बहुत ज्यादा लेने के लिए वो तैयार नहीं है, ये कुछ मेडिसिन ऐड करके मैं फिर बताती हूँ सर कि क्या होता है उस पेशेंट का। मैम नस्य और बस्ती का थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, इसमें क्या दिया आपने? मैम मैंने सर वाला शीर वाला ऑयल है मेरे पास, तो वो मैंने स्टार्ट करा दिया 5 ml to 10 ml डालने के लिए वो बोला, मैंने यहाँ पे तो 10 ml तक उनके नाक में डाला था, पर घर में वो शायद उनकी बेटी ने डाला था तो वो नहीं डाल पाई इतना, पर मैंने बोला धीरे धीरे करके 10 to 20 ड्रॉप्स डालना स्टार्ट करे, फिर धीरे धीरे करके बढ़ाए। और बस्ती भी उन्होंने काफी अच्छे से दे दिया, एक्सप्लेन किया था खाली, और मैंने बस्ती यंत्र वगैरह पूरा उनको दिया था, जैसे मात्रा बस्ती में भी सर से पूछ के ही सर ने बोला था शीर वाला तेल का ही मात्रा बस्ती, तो मैंने 40 to 50 ml अभी स्टार्टिंग किया है,
और शीरो पिचू के लिए मेरे पास ब्राह्मी घृत था, तो मैंने ब्राह्मी घृत यूज किया है वहां पे। अभी ये तीन चीजें मैंने यूज की थी, पर अभी टैबलेट स्टार्ट करूंगी। शायद मैं मानस मित्र वटकम स्टार्ट करूंगी, क्योंकि वो पेशेंट ज्यादा मेडिसिन लेना नहीं चाहता है। अभी देखती हूँ। लेकिन आपने बहुत अच्छे से ये सोचा है कि वो किसी से द्वेष करते हैं तो खुद के उनके अंदर ये सब प्रॉब्लम हो रही है। ये जो मानस हेतु निकाला ना आपने, ये सही है। हाँ, तो मैडम जो नस्य है वो प्रतिमर्श नस्य दे रहे ना, उसी के साथ फिर हम वस्ती मात्रा वस्ती भी हम रेगुलर दे सकते हैं नस्य के साथ। प्रतिमर्श नहीं दे रहे मैम, उसमें 10 बढ़ा रहे हैं। 10 ml तक, 10 ml तक दिया सर, तो सिखा रहे हैं ना 20 ml धारा नस्य, ये धारा नस्य दे रहे हैं। मैंने तो काफी अच्छे से दे दिया, पर वो बेटी थी तो थोड़ी डर डर के डाल रही थी, तो मैंने उसको समझाया। पहले स्नेहन स्वेदन जैसे नस्य में प्रॉपर करते हैं वैसे करके दिया 10 ml। नहीं मैम, एक्चुअली मैं जो है ना, मैं पतंजलि से ज्वाइन है मेरा, और मैं जो बाकी जो पेशेंट हो रहे हैं, तो वो पेशेंट ना काफी फ्रस्ट्रेटेड था, उसने मेधावटी वगैरह काफी खाई थी बीच में, तो उनको रिजल्ट नहीं आ रहा था, तो वो चाह रहे थे कि ड्रगलेस थेरेपी ले कुछ, इसलिए वो पास आए थे, तो मैंने उनको घर पे ट्रीट किया, तो फिर यही चीजें ऐड की थी, पर अभी वो बोल रहे हैं कि मुझे कुछ अलग मेडिसिन भी ऐड करो करके। नहीं, मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि नॉर्मली जो नस्य और जो वस्ती है वो कॉन्ट्राडिक्टेड रहते हैं ना, कि वो हम साथ में नहीं दे सकते, इसलिए पूछ रही हूँ। बात कहाँ पे लिखा है पता नहीं, मैंने पढ़ा है नहीं। आपने जो पढ़ा है वो कैसा है कि जब हम नस्य देते हैं, तीक्ष्ण नस्य दे रहे हैं और उससे झटका आता है तो वस्ती का द्रव्य निकल जाता है। ओके, ना टाइमिंग परफेक्ट रखे है ना, जैसे अभी वो घर पे पहुंचते हैं तो उनको बोला कि मैं थोड़ा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होने के बाद आप नस्य कीजिए, फिर आधे घंटे एक घंटे के बाद जो जो खाना खाएंगे उसके 10 से 15 मिनट में वो मात्रा वस्ती ले लें, तो दोनों के टाइमिंग भी अलग अलग हो रहे हैं। और मॉर्निंग मतलब भी जो मात्रा वस्ती है उसका कोई वो नहीं है, हम मतलब नस्य के बाद हम दे सकते हैं, कोई इशू नहीं आप है। दे सकते हैं, लेकिन ऐसा नस्य का तेल दीजिए जिससे झटका ना लगे कि वो बस्ती के महावे मृदु, मतलब मृदु मृदु जो ऑयल है, जैसे यष्टि मधु है, शीरवला है, धन्वंतरम है, तो ये मृदु सब है। हाँ, लेकिन मार्केट वाला आप अगर देंगी तो उसे झटका आता है बहुत ज्यादा। जी जी सर, बिल्कुल। तो इसीलिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड कि वो तेल ना निकल जाए। तो इसमें जैसे लॉजिक है, ऐसे ही नहीं लिखा है, कुछ ना कुछ तो है। इसमें जैसे मैम स्नेहन स्वेदन नहीं कराती आप, उसकी बस डोज बढ़ा मेरा तेल आराम से डाल दीजिए बिना स्नेहन स्वेदन के, झटका भी नहीं लगता, पेशेंट आराम से ले लेते हैं। सर सर सिखा रहे हैं वैसे ही कर रहे हैं, मैं तो कभी हिम्मत भी नहीं की थी मैम कि 5 बूंद भी डाल सकूं, पर जैसे सर सिखा रहे हैं, और मैंने खुद होके एक मैक्यूलर डिजनरेशन वाले पेशेंट में मैंने 15 ml नस्य डाला था एट ए टाइम, उसका वीडियो भी है मेरे पास। और सर ने बोला कि डालो बस उतने इस पे, ऐसे लगता है सर मेरे साथ है, मैंने डाल दिया था मैम, कुछ नहीं होता, एक ड्रॉप भी उसके गले में नहीं आया, सर पोजिशन भी इतना अच्छे से बताते हैं। मैम वो वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा अगर पॉसिबल है तो। जी जी, और आरती शर्मा मैम आपको मैं तेल भेजूंगा, आप डालेंगी ना तो आप एक्सपर्ट बन जाएंगी, पूरे चंडीगढ़ में नाम हो जाएगा कि ये तो तेल पिला पिला के पेशेंट को ठीक कर देती है। ठीक है सर, ठीक है, श्योर सर, बहुत अच्छा रिजल्ट मैम। हम कंपनी मेड हम नहीं डाल पाते इतना, पर सर जो दे रहे हैं ना ऑयल बहुत ही अच्छा है, उसके रिजल्ट काफी अच्छे है। और वो डॉक्टर नवजोत कौर मैम का केस मालूम है आपको, वो मैम को सुनाई नहीं देता था एड्स से, और उसके बाद में वो डाल के फिर उनको फ्लोटर्स भी आते थे आंख के आगे, वो फ्लोटर्स ठीक हो गए, अभी मैम है इधर बताएंगी, और सुनाई भी देने लगा मैम को इतने साल के बाद। बहुत कमाल का सर। हाँ मैम है ना, नवजोत कौर मैम आप है ना। थैंक यू सर। हाँ आप लोग ऐसे ही तरक्की करते रहिए, सारे पेशेंट ठीक करते रहिए। अभी देखिए मैम बताएंगी, खुद का एक्सपीरियंस बताएंगी, बताइए मैम। हाँ जी सर, मैंने ईयर की प्रॉब्लम थी वो भी काफी बेटर हुई है इससे ऑयल डालने से। जैसे मेरे को +2 जितना मेरे को याद है +2 में जब मैं पढ़ती थी तब ऐसा लगने लगा, तो टेस्ट वगैरह तब करवाया तो डॉक्टर्स ने वहां बताया था कि ऑडियोमेट्री टेस्ट करवाया था, तो उन्होंने बोला था कि ऑडिटरी नर्व डेड है तो इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं। तो अब जैसे मैंने ऑयल का 2-3 महीने नस्य लेना शुरू किया था, तो मेरे को अब ये है कि जैसे मैं मोबाइल फोन ईयर के पास लेके जाती हूँ तो मेरे को सुनाई देता है, पहले बिल्कुल ही नहीं पता चलता था कुछ।
इतना इम्प्रूवमेंट है, और आईज में भी मेरे को फ्लोटर्स रियली में कम होने लगे, पहले से तो बहुत कम आप लग गए। प्रतिमर्श नस से लेते थे या मतलब रेगुलर रूटीन में? मैम रूटीन में यही धारण से जैसे 15-15 बीपी ml एक स्टॉप। एक बोतल पूरा नाक में पूरा ऐसे एक एक बोतल। ये तो बहुत बहुत मतलब मेरे को बहुत अच्छा लग, मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रही, मेरी आंखों में से आंसू आ गए। आप अगर ये करेंगे ना, आपके हाथ से इतने पेशेंट ठीक होंगे ना, ऐसे लोग बोलेंगे जादू है, इतना तेल नाक में डालती है और ब्रेन भी ठीक कर देती है। हाँ जी नहीं बहुत इफेक्टिव है मैम। ये इसी संडे को ना मेरे घर में गेस्ट आए थे, तो वो लेडी फीमेल थी, आई थिंक वो होगी 40 एज होगी, तो कहती मेरे को हेडेक बहुत हो रही है तो मेरे को टैबलेट दे दीजिए। तो मैं हंसने लगी, मैंने कहा एलोपैथी तो मेरे पास नहीं है जो आप खाते हो, तो आप लेटो मैं आपके नाक में एक दवाई डालती। तो मैम मैंने उसे 5-5 ड्रॉप्स ही डाले, क्योंकि मैंने कहा नहीं तो घबरा ही ना जाए ये क्या कर रहे हैं। अच्छा तो 10 मिनट 5-10 मिनट बाद कहती कि वाकई सच में मेरी मतलब हेडेक कम हो गई। तो उसके बाद वो 2-3 घंटे रुके रहे, तो उसने नई टैबलेट की डिमांड नहीं की कि ओके है कहती। मतलब वाकई बहुत अच्छा इफेक्ट है सर का जो शीरबला ऑयल है ना, काफी अच्छा। उसे क्या है, वो वायु का शमन हो गया, हेडेक ठीक हो गया, शून पूरा है, शीरा शून वायु की वजह से हो रहा। फिर मैंने उसे दी एक बोतल, मैंने कहा टैबलेट मत खाया करो, ये डाल के देखो। और हमारा तेल का कैसा है, तेल का कैसा है कि तर्पण होते रहता है वो, मतलब पूरा ब्रेन को नरिशमेंट करता है, और नाशा ही शीर्षो द्वारम, पूरे ऊपर के ऊर्ध्वांग को वो स्नेहन कर देता है। तो जितना ईएनटी है वो सब सबको ऑर्गन्स और सारे नर्व्स को, स्पाइनल क्रैनियल नर्व, सबको ताकत देता है। तो इससे मतलब जैसे अगर हम नशे करते हैं तो टिनिटस भी ठीक हो सकता है फिर? 100% 100% बहुत सर, ये तो और सुन के मेरे को बहुत अच्छा और मिरेकुलस लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। अनुरिता मैडम से देखिए, वो अभी क्रिकेट खेलती है ना, तो हर शॉट में 6 मारती हैं 4 मारती हैं और कैच भी करती है। उनको स्कोलियोसिस का प्रॉब्लम था, वो चल भी नहीं पा रही थी मतलब पहले। अच्छा जी, तो 1 साल मैंने डाला, अभी तो मैम का एक्सीडेंट हुआ, अभी आएंगी तो बताएंगे खुद ही। मतलब सच में नशे का सच में फायदा होता है, झूठ बात नहीं है। तो ये इसका कोई वो ड्यूरेशन का नहीं रहता, मतलब 15-20 ml हम मतलब रेगुलर रूटीन में 3 से 6 महीने तक डाल सकते हैं? 1 साल डाला मैंने अनुरिता मैम को, अभी वो आएंगी फिर से तो मैं फिर से डालूंगा उनको। ओके, तो एज फैक्टर का भी कुछ नहीं है सर? वो वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा कि अगर कोई अनुरिता मैम तो अभी तो 20 साल यंग हो गई है, मतलब आप देखेंगे ना तो अभी उनका एक्सीडेंट हुआ, एंटीबायोटिक भी नहीं खा रही, जल्दी जल्दी हील हो रहा है उनका, वो खुद ही बताएंगे। और मेन क्या है, वो नाइट विजन भी अच्छा हो जाता है रात को, जिसको नहीं दिख रहा है, मतलब क्या है कि मतलब जैसे वो शास्त्रों में प्रॉपर लिखा हुआ है कि जो नस्य शीर्षो द्वारा सारा मतलब पूरा ऐसे ही एक्सप्लेन किया है कि मतलब पूरा तर्पण कर देता है, तो वो मतलब आप पूरा इफेक्ट बता रहे हो कि सब ऐसा मतलब प्रैक्टिकली हो रहा है लोगों में। और एक तो मेरा रिटाइनल डिटैचमेंट का केस था, मैंने यहाँ सबको दिखाया, उसका रिटाइना जो था ना वो पूरा डिटैच हो गया था, ब्लड विजन था। मेरे पास भी एक केस था बट वो हुआ नहीं मेरे से, मतलब मेरे पास भी था एक रेटिनल डिटैचमेंट का, तो वो पूरा ऐसे अटैच हो जाता है, चिपक जाता है पूरा रेटिना, पूरा अच्छा हो जाता है। और केवल नस्य से ही, नस्य से ही। और ये भी दिया ना, वृहद वास्कादि कषाय, सप्तामृत लौह, सूक्ष्म त्रिफला, ये सब भी दिया था। लेकिन सच में फायदा होता है। और जो डायबिटिक रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन होता है, डायबिटीज के वजह से मैकुलर डिजनरेशन, रेटिना में मैकुला होता है, डिजनरेटिंग सूख रहा होता है, डैमेज हो रहा होता है, उसमें भी ये नस्य का बहुत अच्छा रोल है। सर इसमें सॉरी सॉरी बोलो सर। नहीं बोलिए बोलिए। हाँ सर, इसमें बीच बीच में कभी शोधन नस्य देने की जरूरत है या स्टार्टिंग में शोधन करके फिर दे, ऐसा है या हम डायरेक्टली? अगर आपने बीच में पेशेंट ने आइसक्रीम खा लिया तो हाँ, फिर तो अच्छा पड़ेगा। अच्छा मतलब वही वो कंडीशन असेस करके बीच में रोक सकते हैं या शोधन दे सकते हैं ना सर? यस थैंक यू सर। और आपको मालूम है अनुरिता मैम को ना, मैं वो आती है मुश्किल से 5 मिनट में 30 ml पिला देता हूँ नाक में, एक ड्रॉप भी गले में नहीं आता, डायरेक्ट ब्रेन में जाता है, और फिर वो 5 मिनट बाद उठ के और वो जाके अपना काम करती है, इतना अच्छा हो जाता है। सर ये जरूर शेयर कीजिएगा, बहुत ही मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है ये सुनकर, मतलब आयुर्वेद में इतने। और आपको मतलब कंचन मैम के जो भाई है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, अभी तो बाहर गए, दुबई में गए शायद, तो उनको ना लैपटॉप का ओवर यूज से दिखाई कम दे रहा था, उनको भी रेटिना का क्या था मैम, उनको कुछ तो ब्लड दिख रहा था ना। कंचन मैम आपके भाई साहब को भी ऐसे कुछ तो था, तो उनको भी नस से दिया, वो यहाँ आए थे जी सर, वो
जी सर, वो तो अभी खुद के हाथ से भी लेते थे। उनको क्या था, आंखों में क्या प्रॉब्लम था? मैक्यूलर डिजनरेशन था, मतलब वो होल स्टार्ट हो गया था बनना। एक्चुअली वो आईटी में है, 15-16 आवर्स उनका लैपटॉप का यूज था, तो उसके वजह से ना काफी आईज ड्राई हो रही थी, तो उन्होंने वो ध्यान ही नहीं दिया। कोविड के समय में कैसे घर में बहुत ज्यादा बैठना, वेट गेन कर लिया था उन्होंने 7-8 kg, और उसमें ये सब कैसे ना घर में बहुत बैठ के बहुत सारा नॉनवेज भी खा रहे थे, काफी पसंद है उनको नॉनवेज खाना, और बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं है, तो ये थोड़ा सा डेवलप होना स्टार्ट हो गया था। वो बोल रहे थे कि जैसे लैपटॉप पे देख रहा हूँ, बोले तो आधे आधे अक्षर जो है वो कट रहे हैं, मुझे ऐसे लगता है कि कुछ ब्लैक स्पॉट दिख रहा है वहां पे। तो मैंने आई चेकअप करने के लिए उनको भेजा, फंडोस्कोपी वगैरह किया, तो ये उनका डायग्नोसिस आया था कि मैक्यूलर डिजनरेशन स्टार्ट हुआ है, ना ही उनको डायबिटीज ब्लड प्रेशर कोई बीमारी है। अभी 47 तक एज होगा उनका, पर ये स्टार्ट हो गया था मैम। अभी फिलहाल तो अभी एक डेढ़ महीना सर की दवाई खाई, अभी वो मलेशिया में है तो थोड़ा सा ब्रेक हो गया बीच में, अभी देखते हैं वो आएंगे नेक्स्ट मंथ तो फिर से स्टार्ट कर देंगे दवाई। उनका वीडियो है आपके पास जो खुद डाल रहे थे वो? थे सर, वो तो खुद डालते थे मैम, पूरा डालते थे 30 ml, मतलब सुबह डालते थे 15 ml और शाम को भी फिर से 15 ml डालते थे, और बीच में मुझे लगता है सर ने बोला भी था 30 ml भी उन्होंने डाला है। और आपको पता नहीं है, आंखें पूरी अच्छी हो गई, पूरा अच्छा होके गए, इतना खुश है वो, तो बहुत अच्छी है, मतलब एक चमत्कार की तरह ही है कि तो मतलब ऐसा आप भी करिए ना आरती मैम, आप भी करिए ना, आपका नाम ही आरती, पूरा देश आपका आरती करेगा, आप इतना अच्छा काम करेंगे। जी सर, थैंक यू जी। ये सब बताने का उद्देश्य ये है कि इतने अच्छे रिजल्ट है तो आप भी करिए, छोटे छोटे चीजें हैं, नस्से से आप इतने पेशेंट का जिंदगी बचा सकते हैं। सर नस्से किया था पर कभी इस तरीके से नहीं किया था, नस्से किया मैंने, तर्पण फुटपाक सब करती हूँ मैं, बट इस तरीके से नहीं किया था कभी। ये सुनकर मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। आर्मी के ब्रिगेडियर आए थे मेरे पास, यहाँ के किसी डॉक्टर के वो रिलेटिव हैं, तो वो आए थे, सपना डिमरी मैम है शायद किसी के तो रिलेटिव है, तो वो आए थे, वो नवीन जोशी सर के सीनियर है, तो उनके रिलेटिव आए थे, तो उनकी आंखें पूरी ड्राई हो गई थी, लैक्रिमल ग्लैंड पूरा ऐसे ड्राई हो गया था, आंखों में इतना उनको पेन होता था ड्राइनेस की वजह से, और उन अब वो आर्मी के ब्रिगेडियर हैं। मैं उनको नस्से सिखाया तो उन दो बार आए और दो बार 2 महीने का दवाई ले गए, और इतना खुश है, बोले कि मैं नस्से जैसे ही डालता हूँ तो ऐसा लगता है कि पूरा ऐसे ऑयलिंग हो रहा है, पूरा तर्पण हो रहा है, ऐसा फील होता था, आंखें एकदम सॉफ्ट हो गई उनकी, इतना अच्छा हो गया उनका और ठीक ही हो गया पूरा। बहुत बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है आप लोगों के लिए, इतना अच्छा अच्छा कर रहे हैं, उनकी लाइफ ही बन गई है, आंख और आंख के बिना तो लाइफ ही चले जाती है। जी वही तो, और इस सब का इलाज नहीं है एलोपैथी में, बिल्कुल नहीं है। मैक्यूलर डिजेनरेशन का नहीं है, यूवीआईटिस के केस आते हैं तो उनका भी कोई इलाज नहीं है, मतलब आयुर्वेद उसमें बहुत कुछ करता है। आपको मैं कल वो तेल भेजूंगा 1 लीटर, आप डाल के देखिए, आपको खुद को फील करिए कि क्या होता है, फिर आपको विश्वास होगा। सर यूवीआईटिस में हम कैसे विचार करें मैम? यूवीआईटिस आईटीस जहां पर भी है, सूक्ष्म त्रिफला और एकेटी दीजिए। वो दिया है मैंने एक पेशेंट को और सोन माल निवास, लेकिन सर हम वो देखते हैं ना कि उनका जो स्वेलिंग रहता है या विजन कम होते थे, बृहत वसा का दिक्कत है उसमें भी इंडिकेशन होगा। लेकिन सर उसका संप्राप्ति मुझे समझ में नहीं आया। आपका संप्राप्ति आपने या पित्त धरा कला से मज्जा धरा कला, आपने ग्रहणी कला पे काम नहीं किया होगा, दीपन पाचन नहीं दिया होगा। नहीं दीपन पाचन दिया है सर, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया यूवीआईटिस का विचार कैसे करे सर। उसमें क्या सिम्टम क्या है, अपने आयुर्वेद की कौन सी बीमारी से मैच हो? पेशेंट का विजन कम होते चला गया। हाँ तो विजन कम हो रहा है तो क्यों, उसमें स्नेहांश की कमी हो रही है, स्नेह दीजिए, दीपला कृति दीजिए। और पेशेंट का आहार भी रुक्ष आहार है सर, और फैक्ट्री में काम करता है पेशेंट, और वो कारपेंटिंग का काम करता है, वो स्लाइडिंग वगैरह होते है ना सर उसमें, तो हर वक्त उसका तो मेजरमेंट वगैरह रख करने को पड़ता है, तो ऐसे उसका काम है। घृत पान कराना बहुत जरूरी है 100 ml दिन भर में। मैम यूवीआईटिस पूरी तरह ठीक होता है, मेरे पास 4-5 patients थे मतलब यूवीआईटिस के ही, वो कम्प्लीटली क्योर्ड है अब।
मतलब मेरे को 1.5-2 साल हो गया, अभी दोबारा से उनको कोई कंप्लेंट नहीं आया। उनका इतना ज्यादा रेडनेस था कि वो रात को ड्राइव नहीं कर पाते थे, बिल्कुल देख नहीं पाते थे। तो उसमें ओके जो मैंने दिया उसमें विरेचन करना रहता है, उसमें क्या रहता है कि जो पित्त है ना, मतलब वो आइस को इफेक्ट कर रहा है, वो तो है ही है। और जैसे सर बता रहे कि क्षय, मैम स्टार्टिंग में अग्नि विचार करें या डायरेक्टली विरेचन? अग्नि विचार करना चाहिए। अग्नि विचार के बिना तो मतलब आयुर्वेद ही नहीं है शायद। हाँ अगर कोई भी हम पेशेंट लेते हैं तो जब भी हम उसका नाड़ी वृक्ष जो भी करते हैं तो पहले उसकी अग्नि ही सही करनी चाहिए, क्योंकि ये है तो पित्त का ही एक पार्ट है। शायद हाँ मैं सर जैसे नहीं चाहे एक्सप्लेन कर पित्तधरा पाऊंगी। क्लास है मज्जाधरा हाँ क्लास। मतलब वो पित्त का ही पार्ट है जो आंखों में रहता है, आलोचक पित्त, तो पार्ट तो उसी का है। मतलब हम अगर जो हमारा जो मेन पित्त का जो मूलाधार है, अगर हम उस चीज को ठीक कर लेते हैं तो हम ये एक प्रतंत्र व्याधि है मेरे हिसाब से, तो हम उसको कर पाएंगे। मतलब ये गौन है, मतलब सेकेंडरी है ये। और मैं तो सबको बोलता हूं कि आप लोग ना नस्से का मैम तेल का उसमें पैसा ले कैसी लाइन लीजिए। ऑफ ट्रीटमेंट आपने कैसे दिया? मैंने उसको पेशेंट को पहले दीपन पाचन दिया उसको पेशेंट को, और इसमें हजार पुटी अदरक बहुत अच्छा काम करता है, हजार पुटी अदरक। तो पहले यहाँ पर एक्चुअली लोगों को कन्विंस करना हमारा बहुत मुश्किल रहता है इधर प्रोसीजर के लिए, कोई भी पंचकर्मा। तो उसको मैंने बोला कि अगर तुम चाहते हो कि आंखें बच जाएं तो तुम्हें विरेचन के अलावा मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं है। तो मैंने उसका विरेचन करवाया, और मैंने किसी मार्केट के घृत से उसका विरेचन नहीं कराया, मैंने खुद से ही सारे रसायन द्रव्य का घृत से किया। जैसे मैंने हल्दी, त्रिफला, और ये क्या रहता है, गुड़ुची, और एक एक चीज और ली थी, शायद शतावरी ली थी। मतलब ये सारे जो पित्त शामक जो द्रव्य हैं इनका मैंने घृत सिद्ध किया, और उसके बाद उसको उस घृत का पान करा, मंजिष्ठा, एक मंजिष्ठा भी लिया था। हाँ, 5 चीज। तो उसका घृत पान उसको करवाया, और उसके बाद उसको विरेचन दिया मैंने। विरेचन देने के बाद ही उसका एक एपिसोड में ही उसका काफी कम हो गया, और उसके बाद उसका कॉन्टिन्यूस जो मेडिसिन है वो कंटिन्यू रहा। और उसको रसायन रूप में, मतलब वो पेशेंट बोलता था कि मुझे कुछ ऐसा दीजिए कि ज्यादा कॉस्ट भी ना लगे, तो मैंने बोला कि आंवला है, आंवला खाइए, आप दबाकर खाइए। तो मतलब उन्होंने आंवला, मतलब रोज 1 या 2 आंवला उनको रोज मैंने कंज्यूम करवाना शुरू किया, और उसके बाद 6 मंथ्स के बाद दोबारा उनका विरेचन रिपीट किया, तो उसके बाद से उनको कोई दिक्कत नहीं आई। थैंक यू मैम। और मैं तो सबको बोलता हूँ कि आप केवल ना तेल का पैसा लीजिए, सभी लोगों को फ्री में नस्ते दीजिए, फ्री में दीजिए। इतना आप लोगों का प्रचार हो जाएगा ना कि लंबी लंबी लाइन लगेगी आपके पास। सर एक मेरा और क्वेश्चन है, जैसे मेरा पहले ये कंसेप्ट रहता था कि अगर मैं किसी को अभी विरेचन दे रही हूँ तो उसको मैं 6 महीने बाद रिपीट करूंगी, तो ये भी काइंडली इसको भी करेक्ट करिए कि इसमें मतलब और कैसे है। अगर पेशेंट रात्रि जागरण कर रहा है बहुत ज्यादा, और रात रात भर सो नहीं रहा, मिर्ची मसाला खा रहा है, और पित्त का उसको हो रहा है, तो आप 6 महीने तक रुकेंगी क्या? नहीं, स्किन मैं डिजीज आपसे हो पूछ रहे रही थे? हूँ, मैं तो नहीं, खुद नहीं कंडीशन के जानती। हिसाब से ये कॉन्सेप्ट जो रहते हैं वो चेंज होते हैं। चरकाचार्य जी ने भी कहा है कि हम ये बता रहे हैं सर्वसामान्य एक चिकित्सा सिद्धांत बता रहे हैं, लेकिन आप युक्ति पूर्वक कहीं पर भी चरक संहिता में बताया क्या कि महापैशाचिक घृत इतना डोज में दो? कहीं लिखा है महाकल्याणा घृत नहीं, इतना डोज में? वो तो बोलते हैं आप युक्ति से आप यूज हाँ करिए, युक्ति पूर्वक चिकित्सा कीजिए, जहां जो है वहां वैसा ही चिकित्सा करिए। वो डोज कभी नहीं बताते हैं। संहिताओं में देखिए कहीं भी डोज नहीं बताएगी इतने मात्रा में दो, वो कैसे बनाना है बिल्कुल वो सर, बताते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक हाँ, तो इसलिए है विरेचन आपको जब जरूरत है तब दे दीजिए। हाँ, जी सर, ठीक है सर। ऐसे बोलते हैं ना, दोषा कदाचित कुप्यन्ति जिता लंघन पाचनैः न तु संशोधनम तेषां न तेषां पुनरुद्भवः। मतलब अगर दोष किंचित प्रकोपित होते हैं तो दीपन पाचन दीजिए, शमन दीजिए। अगर दोष बहुत ज्यादा प्रकोपित हो जाते हैं तब आपको शोधन करना है, और शोधन करने से फिर से दोष प्रकोपित नहीं होते, लेकिन ये क्रिया योग नहीं, मतलब हेतु सेवन नहीं होना चाहिए तब दोष प्रकोपित नहीं होते। अगर हेतु सेवन होगा तो फिर से दोष प्रकोपित होंगे, फिर से हेतु शोधन। सेवन तो पेशेंट करते ही रहते हैं, उनको कितना भी मना करो मतलब हेतु सेवन तो चलता ही रहता है उनका। जी, सर जैसे इन्होंने इसलिए यूवीआईटिस मैंने का वो केस मैम को बताया, बोला ना। इसमें भी नस से कर सकते हैं हम, यही शीर बला का, किसमें? ये जो यूवीआईटिस वाला केस है इसमें भी वो हाँ तर्पण का काम करेगा पूरा। हाँ तर्पण करेगा तो जल्दी हील होगा। जी जी सर, तो आप शीर बला कहीं के अलावा भी किसी और ड्रग से कर सकते हैं या सिर्फ शीर बला से ही, इसमें यूवीआईटिस में ऐसे तो पर्टिकुलरली? बहुत सारे हैं तेल, लेकिन जलना नहीं चाहिए, और हमें स्नेह ज्यादा देना है। घृत देंगे तो वो
मतलब ऐसा घृत होना चाहिए कि सरदर्द ना हो ज्यादा मात्रा में दे तो, मतलब ऐसा चीज डालिए कि हम ज्यादा मात्रा में डाल पाए। मैं बताने को बहुत सारे तेल बताऊं लेकिन नाक में जलता है तो पेशेंट नहीं लेते हैं। बिल्कुल सही है सर, ठीक है, थैंक यू सर। और आपको जहां पर भी रीजनरेट करना है आंखों के नर्व्स में कुछ भी, तो वहां पे स्नेहन होना जरूरी है। स्नेहन होगा तभी दवाइयां जल्दी काम करती हैं। जी सर। अब डॉक्टर प्रभात पांडा जी भी बताएंगे, इन्होंने एनसेफेलाइटिस का एक केस में वचा तेल से दिया। हाँ जी सतीश जी, एक मिनट रुके, सतीश जी बोलिए सर। सर ये है सर जटिलाम उदनाम केसिम चार्टी मरकटी वचाम, हाँ त्रैमाणाम जयाम वीराम चीरक कटुरोणम, हाँ व्यस्थापन शुक्रम छत्राम अतिस्त्रवम पलंगशाम महापुरुष दस्ताम चय कामस्थाम नाकुली द्वयम कटम राम वृक्षकाले स्थिरम चार्तम तेग्रतम सिद्धम चातुर कोणवाद अपस्मार नाशनम। हाँ, लास्ट में क्या लिखे पर, लास्ट वाला है सर, लास्ट में सर बुद्धि स्मृति करम चैत्र चैवलानाम चांगवर्धनम। बिल्कुल सर अंगवर्धन भी अंग बढ़ाते हैं, मैंने बोला ना बिल्कुल इति माप है सचिक कृत्रिम, हाँ है सर इसमें। हाँ तो मैं जो भी बोलता हूँ ग्रंथोक्त बोलता हूँ। जी सर, ये सर बड़ा बड़ा मिलता है सर कहीं, वहां पर सचिकृत है ना मेरे पास, आपको चाहिए तो मैं भेज दूंगा। जी सर, इससे सच में हाइट बढ़ जाती है, इसका बस्ती देंगे तो, और हाइट बढ़ाना है तो वो हमारा लाक्षादिक गोल पूर्ण सोम और आड़ी जो चंद्रशूर के बीज और दूध पिलाना है, वो जो हमारा हाइट का फॉर्मूला है ना वो दे दीजिए और बस्ती दे दीजिए, तिक्त क्षीर बस्ती बना के उसमें 50 ml डाल के और बस्ती दीजिए, देखिए हाइट क्या बढ़ती है, हाइट बढ़ती है। हाँ ठीक ठीक है सर, मैं करता हूँ सर स्टडी। सर विटामिन डी की भी डेफिशिएंसी है उसमें, वो एलोपैथी का डायग्नोसिस है, हम आयुर्वेद के हिसाब से ठीक कर सकते हैं। अच्छा सर ठीक है सर, ठीक है। एक डॉक्टर प्रभात पांडा जी बताएंगे एनसेफेलाइटिस का केस, सर ने इतना बढ़िया ठीक किया ना, इतना बढ़िया ठीक किया। आरती मैम सुनिए, आप उड़ीसा के बहुत बड़े डॉक्टर हैं और बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, दिल से भी अच्छे हैं। जी सर नमस्ते सर। हाँ नमस्ते, बताइए सर। मेरा तो एक केस के बारे में पूछना है, तो अभी मैं ये एनसेफेलाइटिस केस के बारे में वो भी बता के फिर पूछे भी। हाँ बताइए सर। ये 2 ईयर से वो एनसेफेलाइटिस का डायग्नोसिस हुआ था उनका, 2 बार अटैक हुआ था, वो कन्वल्सन हुआ, अनकॉन्शियस थे तो हॉस्पिटलाइज हुए थे दोनों बार, और सेकेंड टाइम के बाद उनका मेमोरी लॉस कर गया और वो क्लोज फैमिली मेंबर्स को भी वो पहचान नहीं सकते थे उस टाइम, कुछ पूरा डिपेंडेंट थे, मतलब खान पान भी खुद नहीं कर पाते थे, टॉयलेट नहीं जा पाते थे, कुछ आसपास में क्या हो रहा है उसका उनको पता नहीं होता हो रहा था उसी टाइम। वो ऑलमोस्ट 3 महीना ऐसा कंडीशन में थे, उसका कुछ ट्रीटमेंट भी लिए थे वो मॉडर्न ट्रीटमेंट, बाद में मेरे पास आए और मैंने सर का वो खेरबला तेल मेरे पास रेडीली था तो मैं नस्य शुरू किया, बाद में बचा तेल सर से मंगाया और बचा तेल का नस्य ऐड किया, कंटिन्यू किया, और डेली 15 ml मैं खुद दे रहा था, 10 to 15 ml, 10 ml से शुरू किया, फिर बाद में 15 ml तक रेगुलर चलाया। और बाकी इंटरनली सर ब्रोथ बात चिंता मणि पंचामृत गोकुल स्मृति सागर रस मानस मित्र पटक ये सब ऐसा चल रहा, एक महीने में उनका मेमोरी आना शुरू हुआ, ऑलमोस्ट 80% उनका जो असेसमेंट है ये सब कुछ पहचानना शुरू किया, उनका बैंक अकाउंट नंबर याद आना शुरू हो गया। और आरती मैम आपने कभी देखा है एनसेफेलाइटिस ठीक होता है एलोपैथी में? नो सर, मैं एलोपैथी सर मैं उनके बारे में नहीं सोचती, मैं जब से प्रैक्टिस शुरू किया आयुर्वेदिक करती हूँ, पर मुझे पता है जो मेंटेन करते हैं सभी बीमारियों को मेंटेन किया जाता है, जब आदमी मर जाएगा फिर अपने आप ही। सर ने ठीक कर दिया, 1 महीना में बहुत बहुत अच्छा किया ये सर। सिर्फ आपने नस्य ही दिया शीरबला और बचा तेल का? जी जी, इनिशियली शीरबला दिया 15 days, बाद में बचा तेल ही कंटिन्यू। और आपको पता है उपनिषद पढ़ेंगे, ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ेंगे और पुराण पढ़ेंगे तो ना कलिंग के जो वैद्य थे आयुर्वेद के चिकित्सक उनका बारे में बताया,
तो प्रभात पांडा जी के जो पूर्वज थे ना वो सब एकदम श्रेष्ठ चिकित्सक थे आयुर्वेद के, वो सतयुग में और त्रेता युग में। तो देखिए ये भी वही सब जीन से आ रहे हैं कि इनकी भावना अच्छी है कि जल्दी पेशेंट ठीक हो, इसलिए पेशेंट ठीक हो रहे हैं। सर शेरवला का मात्रा कितना दी है नशे के लिए आपने? मैडम मैं 10 ml से शुरू किया और 15 ml कंटिन्यू किया। और सर बचा तेल का स्टार्टिंग? बचा तेल भी 5 ml से शुरू किया, फिर बचा तेल भी 10-15 ml देता रहा एवरी डे। ये सर पूरा 1 month चला ये नशे का? हाँ 1.5 महीना, 1-1.5 months। सर ये नशे तो 3 months तक किया। नहीं ये कंटिन्यूटी में ही चला क्या? ये कंटिन्यूटी में चला या जैसे हम ब्रेक कर देते हैं कि 10-15 दिन? नहीं कंटिन्यू चला। सर बच्चा तेल का जो नस्य है वो शोधन का काम करता है या भ्रूण का काम करता है? नहीं नहीं वो संज्ञा स्थापन गण में मेध्य है, स्मृति वर्धक है। वहाँ एनसेफेलाइटिस में स्मृति नाश हो गया था ना, उनको याद नहीं आ रहा था कुछ भी। यस सर। तो ये बोले ना अकाउंट नंबर तक याद आ गया। तीक्ष्ण होती है ना सर, तो वो नहीं, मैंने मृदु पाकी भेजा था ना, जलता नहीं था, टोटली जलन नहीं था सर। बच्चा का स्मेल आता है लेकिन वो जलता नहीं है। आप पूरा बॉटल डाल दीजिए। संज्ञा स्थापन है मेरे एक, मैंने बताता हूँ ना कि मेरा एक क्लासमेट था जो आर्मी में ब्रिगेडियर है, उसका पूरा मेमोरी लॉस हो गया था एक्सीडेंट से। उसको मैंने नस्य में बच्चा तेल डाला था, हर चीज याद आ गया उसका, पूरा एमनेशिया ठीक हो गया। मतलब जिसको भी स्मृति नाश हो गया है पूरी तरह से मेमोरी लॉस हो गया है, आप बच्चा आप खुद भी लीजिए श्वेता मैम, आप नस्य लीजिए, आपको पिछले जन्म की बात याद आ जाएगी सब। तो सर मुझे ये पूछना था, जैसे शय के पेशेंट्स आते हैं, मतलब थोड़े ओल्ड एज वाले पेशेंट्स आते हैं ना जिनको अर्ली पार्किंसन टाइप में भी आते हैं, पार्किंसन में भी मेमोरी लॉस होता है बहुत ज्यादा? नहीं सर, तो ये जो अर्ली डिमेंशिया वाले पेशेंट्स आते हैं जो सेट इन हुआ है, तो इनमें शीरबला ज्यादा अच्छा रहेगा या वच्चा तेल ज्यादा? दोनों अल्टरनेट बल भी देना है, स्नेहन भी करना है और मेमोरी को भी रीजनरेट करना है, मतलब पूरा याद आ जाए मेमोरी सेंटर। तो सर ये वच्चा तेल कितने दिन तक दे सकते हैं और कैसे समझे कि अब हमको नहीं देना चाहिए? जब वो पेशेंट बोले कि मुझे सब याद आ गया कि आप कौन है, सब चीज याद आ जाए, जैसे इन्होंने बोला कि अकाउंट नंबर याद आ गया उनको, ऐसे तब। सर जैसे ये शीरबला और वचा तेल आपने अल्टरनेट दिया या मतलब पहले तर्पण किया और उसके बाद ये वचा तेल जो मृदु आप बोल रहे हैं दिया? मैडम मैं पहले खीरबला शुरू किया, अभी तक मेरे पास नहीं था उसी टाइम वचा तेल, तो खीरबला 15 days तक दिया, बाद में उसी टाइम के अंदर में मंगाया सर से वचा तेल, आ गया जब वचा तेल ही कंटिन्यू किया। मतलब 3 महीने तक आप कंटिन्यूस वचा तेल 15 ml 2 months तक वचा तेल दिया, 10 ml से बढ़ाते हुए 15 ml तक। जी जी जी। तो पाठक सर मतलब ये वचा तेल भी थोड़ा ब्रूहन का काम कर रहा है ना? करता है, स्नेहन कर रहे, तेल है तो स्थापन के साथ स्नेहन कर रहा है। सर पीसीओडी में भी वचा तेल अच्छा काम करता है वो? आप ये सोचिए कि हर अवयव में मेमोरी है, अगर हर अवयव का मेमोरी को आपको जागृत करना है तो आपको वचा तेल डालना ही चाहिए हर पेशेंट को। सर वचा से मैंने धूपन किया है मतलब मेमोरी वाले पेशेंट में, बट ये बहुत ही अच्छा लगा सुन के कि वचा तेल भी बना रहे हैं और उसका। और दूसरा बात है कि वचा खाने के लिए अगर ज्यादा देंगे तो वमनोपग है, उल्टी करा। हाँ, वमनोपग है। हाँ, लेकिन नाक में डालने से कुछ नहीं होता, कभी आज तक मेरे पेशेंट को तो नहीं हुआ। सर मेरा एक अल्जाइमर का केस है सर। हाँ पूछिए। हाँ तो उनको मैं कैसे क्या शुरू करूं? अल्जाइमर से तो न्यूस्टेगमेंट चल रहा है, क्या मेडिसिन चल रहा है? कल आने वाला है वो पेशेंट, आज आया था उनका अटेंडेंट आया था। अल्जाइमर्स में ये रहता है कि मसल्स जो रहते हैं वो बहुत स्टिफ हो जाते हैं, अमिताभ बच्चन को है, तो न्यूस्टेगमेंट देते हैं ना तो 4 घंटा वो काम करते हैं और उसके बाद में फिर वो न्यूस्टेगमेंट का पावर खत्म, तो फिर वो जहाँ है वहीं अटक जाएंगे, फिर वो मसल हाथ भी नहीं उठा पाते, ऐसा जो ये बोलते हैं ना कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन उसका डिफेक्ट होता है वहां पे। सारा अभी पेशेंट तो थोड़ा मतलब घूम फिर रहा है इधर उधर, पर मेमोरी टोटली नहीं। आप पूरा केस टेकिंग करिए और आयुर्वेद के हिसाब से डायग्नोस करके हम जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है नर्व का उसको हम पूरा ठीक कर देंगे, मैं आपको बताऊंगा। मेरे को तो ये बहुत मजा आता है ऐसे केसेस। ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सर।
एक डॉक्टर अंजू जी ने हैंड रेज किया है, कुछ बोलना चाहती है मैम? जी सर, सर मुझे एक डाउट क्लियर करना था। सर हम नस्य और मात्रा बस्ती इकट्ठे दे सकते हैं? हाँ सर, मैंने एक्चुअली सुना था निगम सर के लेक्चर में कि हमें दो साइड से जैसे स्नेहन इकट्ठे नहीं देना चाहिए। नहीं, वो सर का अपना अनुभव है, लेकिन ना हम मात्रा बस्ती दे रहे हैं तो उसके लिए नियम नहीं है। और दूसरा बात है कि वो सर इसलिए बोल रहे हैं कि वो झटका ना लगे, कि प्रेशर ना आ जाए। ओके, आप ये बताइए कि आप घी पिला रही हैं और तब बस्ती नहीं देते हैं, नस्य नहीं देते हैं क्या? अभी एक पीटी जोशी सर है यहाँ के धुलिया के जो है नासिक के, तो वो तो वमन के टाइम में एक दिन पहले तेल का बस्ती भी देते हैं ताकि उल्टी करते टाइम श्वास का वेग ना लगे। तो हम दो मार्क से दे सकते हैं जी सर। ठीक है सर, मुझे यही डाउट क्लियर करना। उत्तर बस्ती नहीं देते हैं क्या साथ में? देते हैं सर। हाँ, तो फिर वो सर ने इसलिए बताया था कि झटका ना लगे कोई भी नस्य से, कि वो प्रेशर से निकल ना जाए झटका या तो। जी सर, कई बार इरिटेशन कर देता है नस्य इसलिए। ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू। और किसी को कुछ बताना है तो बताइए। सर सोलह नस्य देना चाहिए ना सर, ब्रह्म नस्य से पहले क्या करना चाहिए? शोधन नस्य जो देते हैं, अगर अगर साइनोसाइटिस का पेशेंट है तो शोधन देना चाहिए ना? जी जी। और सर वो आपके पेशेंट कैसे हैं जी? क्या शोधन में देंगे जी, सर अगर साइनोसाइटिस? लाभ महसूस हो रहा है सर, पॉजिटिव वाले सर। हाँ हाँ, उनको लाभ महसूस हो रहा है। वो पहले जो बताती थी कि उनका दिमाग लगता है उड़ा जा रहा है इधर उधर, बेचैन से सा फील होता है था, वो अब थोड़ा शांत फील कर रही है। तो आप नस्य दे रहे हैं क्या उनको? जी हाँ सर, वो आपका चिरवाला तेल और बचा तेल दोनों का नस्य दे रहा हूँ। कितना कितना एमएल दे रहे हैं? वो ज्यादा ज्यादा ले नहीं रही सर, वो 20-20 बूंद के आसपास लेती है। ठीक है, इतना से फायदा होना चाहिए, हमारा पेशेंट ठीक होना चाहिए। जी 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 जी। और वही वो कहती है कि वो नाक में अंदर जा ही नहीं रहा, उनको काफी देर रुकना पड़ता है। कोई बात नहीं, ओसीडी कुछ इम्प्रूवमेंट है क्या? जी जी, उसमें तो लग रहा है कुछ शांत अब लग रही है पहले से। सर उसमें और क्या कर सकते हैं? वो जो ओसीडी वाले थे पेशेंट, वो लड़का था ना, वो जो यंग था, इनका कोई और पेशेंट है, और वो जो आए थे ओसीडी वाले वो अभी नहीं बताए कुछ। ओके ओके। गुप्ता सर आपने और क्या क्या दिया था बताइए। सर उसमें आपने जैसा बताया था अभ्रक भस्म सहस्त्रपुटी और रजत भस्म, और इसके अलावा अश्वगंधा एक्सट्रैक्ट का टेबलेट था वो भी मैंने उसमें मिलाया, और उसमें मोती भस्म प्रबाल पिष्टी गिलोय सत ये, और बात बृहत बात चिंतामणि रस भी दिया सर। तो ये मिक्स करके दिया, उसके अलावा ब्राह्मी वट्टी भी ऐड किया, एक मुक्ता वट्टी आता है, उनको बीपी की भी शिकायत है तो मुक्ता वट्टी भी उन्हें मैंने सुबह खाली पेट दिया था पतंजलि वाला जी, तो उन्हें राहत तो है सर, भी 5-6 दिन ही हुआ है सर उनका। 5-6 दिन में इतना अच्छा कर दिया, आप सोचिए जी, आप कितना अच्छा कर रहे हैं सर, प्राउड ऑफ यू जी सर। और सर अभी हमने वो जटामासी का क्वात भी शुरू कर दिया है, जटामासी फांट। हाँ। सर आप सब ये लिखते रहिए कि जी जी, आप सब लिखते रहिए पूरा, मतलब अच्छा रहेगा सर। सिर्फ जटामासी का क्वात या मांस आदि क्वात? जी मांसाहारी क्वात अभी शुरू नहीं किया है, लेकिन जटामासी उसमें तो और भी इंग्रेडिएंट होते हैं ना मैम, तो थोड़ा सा उसमें बनाने में टाइम लग रहा है, वो भी आगे देंगे। मांसाहारी क्वात अभी तो अभी जटामांसी फांट चल रहा है उनका। ओके, तो उसमें जटामांसी कितनी रह रही है? जटामांसी 5 ग्राम के लगभग वो फांट यूज कर रही है जी सर। जी, लेडीज पेशेंट है जी सर, 40 इयर्स तक जी। जी सर, थैंक यू। आप ये सोचिए सर, बड़े बड़े साइकेट्रिस्ट ओसीडी नहीं ठीक कर पाते हैं पूरी दुनिया, और आप डॉक्टर संजय गुप्ता जी कितना बढ़िया काम कर रहे हैं सर, मुझे दिल से खुशी हो रही है सर। सर ये तो सर सब आपके दिशा निर्देश से हो रहा है सर। हाँ सर, ओसीडी में भी तो नस्य देना ही चाहिए हमें, नस्य देना। हाँ सर, इसमें क्या हम दोषहर बस्ती भी दे सकते हैं ओसीडी में? हाँ दे सकते हैं। कोई भी मानसिक बीमारी क्यों होती है आपको क्या लगता है? जब मन में रज और तम गुण बढ़ जाता है,
या तो पेशेंट वो ज्यादा ये होता है रिजेक्टेड फील करता है कि उसको अपमानित हो रहा है, तो या तो उसको गुस्सा आता है या फिर उसको एंग्जाइटी होती है, व्याकुलता बढ़ जाती है या फिर उसको क्रोध आता है, जो मतलब अंदर ही अंदर वो घुलते जाता है। रिजेक्शन जब फील होता है तो ओसीडी होता है, तो मन के मन पे कंट्रोल करना है। तो ये सारा जो दवाई दिया इन्होंने मन पे काम किया, मन को शांत किया, तो पेशेंट ठीक हो रहे हैं। और वो सर वो थोड़ा बात पित्त प्रकृति के भी हैं, उनका दोष भी बात पितज वाला ही लग रहा था, तो मैंने बृहद बात चिंतामणि भी ऐड किया था। आपने बहुत अच्छा किया, ठीक है ना सर, बहुत अच्छा किया आपने। आपने अभ्रक भस्म दिया वो मन को शांत करता है, जब मन पे काम करता है अभ्रक भस्म। फिर आपने रजत भस्म दिया वो पूरा मस्तिष्क को ठीक करता है। जी सर, आपका सब दवाई पिष्टि प्रबाल, मोती पिष्टि प्रबाल पिष्टि भी डाल लेता, हाँ वो भी मन पे काम करते हैं, मन की शीतलता लाते हैं। जी जी, और पार्थिव द्रव्य भी हैं तो मन को एकदम स्थिर करते हैं। बहुत अच्छा किया आपने, जैसे आपने बताया वैसे क्या सर। सर आप बहुत आगे जाने वाले हैं, आपको मालूम नहीं है, आप लोग जो जो काम कर रहे हैं ना, आप लोग को मालूम नहीं, बहुत आगे जाने वाले हैं आप सब लोग। जी जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए प्लीज, अभी दो मिनट। ओसीडी में इन सब का योग बना के दिया मेडिसिन का? जी मैम, ये हमने सबको एक जगह पीस करके पुड़िया बना के दिया। पुड़िया बना के, तो इनकी कितनी कितनी क्वांटिटी सर ली? इक्वल? जी नहीं, इक्वल नहीं। अब जैसे रजत भस्म अभी हमने 10 दिन के लिए दिया था उन्हें, तो उसमें रजत भस्म 1 ग्राम था, मुक्ता पिष्टि 5 ग्राम लिया था, प्रवाल पिष्टि 5 ग्राम लिया था, बृहत मात चिंतामणि रस 1 ग्राम लिया था, अभ्रक भस्म सहस्त्र कुटी हमने 5 ग्राम लिया था, गिलोयसत 10 ग्राम लिया था, जी इस तरह से अश्वगंधा की हमने 10 गोली डाली थी, वो एक्सट्रैक्ट बेस पे था, वो एक्सट्रैक्ट वाला, तो ये मिला करके हमने पुड़िया बना के 20 खुराक बना के दे दिया था। ठीक है जी, सर ये आप प्लीज में डालिए ना सर, लिखने ग्रुप में डाल दीजिए साथ साथ में। और आप लोग महसूस करिएगा, आयुष दर्पण पे सारे चिकित्सक अच्छा काम कर रहे हैं, केवल मैं ये नहीं बोलता कि मैं काम कर रहा हूँ, मैं सबको आगे बढ़ा रहा हूँ कि सब लोग करिए, सब लोग करिए, और सच में अच्छा काम कर रहे हैं सब लोग। ये संजय गुप्ता जी का बहुत अच्छा काम है, सच में अच्छा काम है। सर आपके पेशेंट की प्रकृति कौन सी थी, बात पित्त थी क्या? जी जी, बात प्रकृति की है जी सर। और मेंस्ट्रुअल साइकिल वगैरह रेगुलर है? जी नहीं, वो उनकी भी उसकी भी दिक्कत है उनको। जी सर, उसका हम बाद में करेंगे, पहले ये माइंड तो ठीक है। जी उनको पीसीओडी की प्रॉब्लम है, सिस्ट वगैरह भी है। ओसीडी का मतलब क्या है, एक तरह से व्याकुलता रहती है, बेचैनी रहती है माइंड में, बहुत ज्यादा बेचैनी रहती है। जी जी, पेशेंट खुद से घुटघुट के रहता है खुद से। हाँ, तो इसमें अगर ओसीडी कंप्लीट हो जाए बाद में मात्रा बस्ती प्लान कर सकते हैं आप, ऐसा मेरा सजेशन है। अभी भी कर सकते हैं क्योंकि हार्मोन बैलेंसिंग है, तो उसका इफेक्ट भी माइंड पे अच्छा है। राइट राइट जी जी, अगर पेशेंट रेडी होता है तो आप मात्रा बस्ती जरूर से प्लान करें। सर मात्रा बस्ती सचरादी तेल या और उसके बाद शतावरी ग्रीक कंबाइन करके अल्टरनेट दशमलव को आदि कर सकते हैं। जी बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप, कांग्रेचुलेशन। ठीक है मैम, ठीक है मैम, थैंक यू मैम। ठीक है, हाँ तो अभी हम ना सेशन बंद कर दे क्योंकि टाइम हो गया है, कल हम फिर से बात करेंगे। आज का डिस्कशन बहुत अच्छा रहा, सब लोगों ने सक्सेस स्टोरीज बताया। थैंक यू सर, थैंक यू सभी लोगों का, सर थैंक यू सर, सभी को धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सभी।